यस मिली, तू आ रही है इसमें। मिली दिख रही हूँ, मुझे पता है। चलो चलो बाय 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 बाय। आ रही हूँ मैं भी। चल हाय गाइस, आपने देखा होगा कि कल रात को हम सारा सामान जमा रहे थे और सुबह अभी सब उतर चुके हैं। तो अब हम कहाँ निकलने वाले, मैं आपको 2 सेकंड में अपडेट देती हूँ। टाइम टू गो। सो यस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दमन, क्योंकि हमारा प्री वेडिंग शूट है एंड इट्स रियली अर्ली इन द मॉर्निंग। इट्स 5:30 AM राइट नाउ और बिल्कुल लाइट नहीं है, इसलिए आप मुझे कार की लाइट में देख रहे हैं फिलहाल। सो या, वी हैव टेकन 2 कार्स और बाकी सब लोग बैठ गए हैं एंड लेट्स टेक यू अलोंग। तो अब हो गई है सुबह और सुबह हो गई है तो लाइटिंग भी बहुत मस्त हो चुकी है। और हमारे साथ है, वैसे तो ये पैसेंजर प्रिंसेस है लेकिन आज पीछे बैठी है इसीलिए। यस पैसेंजर प्रिंसेस तू है, मैं नहीं हूँ। एक काम बोला आगे बैठ के करने का, वो भी नहीं हो रहा है। वो तो तुमसे मैं कर रही हूँ, वो बखूबी कर रही हूँ मैं वो वाला काम। मेरे को 15 बार गाने का आवाज बढ़ाने के लिए बोलना पड़ रहा है। सो मच, सो मेनी कंप्लेंट्स एक्चुअली। बहुत सुहाना हो चुका है क्लाइमेट, सुहाना हो चुका है मौसम। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं दमन फॉर आवर प्री वेडिंग शूट, दमन एंड सिलवासा। सो इट्स जस्ट नॉट मी, इट्स ऑल्सो मी, माई सिस्टर, वो लोग आगे वाली कार में और हम लोग पीछे वाली कार में है। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ मिनी वेकेशन प्लस यू नो a family picnic and also pre-wedding shoot. It's going to be fun, honestly. यहाँ से सोच के मज़ा आ रही है, जब से हम कार से ट्रैवल कर रहे हैं उसमें भी मज़ा आ रही है। सो इट्स गोइंग टू बी रियली फन। सो यह लेट्स सी। मेरे को तो साइकिल वालों से डर लगता है, साइकिल और इनसे लगता है। बस से नहीं लग रहा डर? बस से डर नहीं लगता मैडम। बिल्कुल सही, जादू की छड़ी नहीं होती है जी। कुछ और बातें हुई थी इस समय। खुद का चेहरा एकदम परफेक्ट आना है। हाँ तो नहीं कुछ लिखे हो क्या? लिखे चीज़ केक लिखा। जा, अब बोला है तो बुरा। जा। मिली को चीज़ केक चाहिए। चीज़ केक कैसे मिलेगा? मिली बता, वो अभी मेरे को नहीं पता। ढूंढने की तो सब यहाँ जाओ जाओ। एक बार के लिए मैकडॉनल्ड्स घूम सकते हैं मिलने। मैकडॉनल्ड्स में नहीं खा सकती। क्यों, मैकडॉनल्ड्स को नहीं खाना है? बर्गर नहीं खाती। बर्गर बर्गर देखा कैसे? नहीं तो आप जान लीजिए, भारत ने लिया है एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत अभियान के साथ 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे अपना वोट निकालिए और इस अभियान में अपना योगदान दें। आप अपने गली, आस पड़ोस, पार्क, सरोवर के पास जाकर इस अभियान में जुड़ सकते हैं और ऐसे ही हर एक भारतीय प्रयास से पूरे देश को स्वच्छ बना सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वच्छ निर्माण के लिए आपसे एक विनम्र आग्रह है। Catch the match with Nissan. Take a test drive at your nearest Nissan showroom and win World Cup tickets.
एक मिनट पकड़ना, तू अपना पकड़ना ही हो। यही आ गए होते तो अभी तक तो भरवा के अपन पहुंच भी गए होते। मतलब तेरी गलती नहीं है सर। जैसे मैंने बोला इडली है, तूने सेकंड टाइम में नहीं बोला कि अरे मैंने तो खाया हुआ है। देखा ये तो मैंने रिकॉर्ड किया है, तूने कितना सारा खाया है, ये क्या बात होती है तेरे पर? बहुत गंदी बात है यार ये। मैंने देखा, मैं एक ही खा रही हूँ, तू एक ही बार में तेरे सारे खा लिए, बहुत गंदी बात है यार ये। ये बहुत परेशान कर रहा है तू मेरे को। मैं तेरे को परेशान नहीं कर रहा, अभी अपने पॉज तू वीडियो बना रहे फिर। तो वापस हम विला पहुंचने वाले हैं, तो यस आई एम एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड मिली? किसी को जबरदस्ती मिटा दिया। फुली एक्साइटेड। एक को पीछे देखो रोना आ रहा है, अरे दूसरा गाड़ी इधर। सो दिस इज हाउ द विला लुक्स, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द विला एंड दिस इज इन अ वेरी आइसोलेटेड एरिया एंड ये पूरा उसका गार्डन एरिया है एंड लेट मी जस्ट शो यू द एंट्रेंस। इज द विला, इट्स अ 3 BHK। दिस इज द होल रूम एंड दिस इज लाइक रूम नंबर 1, 2 एंड दैट इज अ 3rd रूम। तो हम विला पहुंच गए हैं एंड वी गॉट जस्ट फ्रेशन अप। तो आज हम थोड़ा बहुत शूट करेंगे फॉर अ प्री वेडिंग, बट आई एम नॉट श्योर कि हम कौन सा सेगमेंट शूट करने वाले हैं। सो हमारे फोटोग्राफर्स भी थोड़ी देर में आते ही होंगे, सो वंस दे आर हियर वी विल बी डिस्कसिंग विद देम एंड देन वी डिसाइडिंग ऑन कि हमें क्या शूट करना है। बट इट्स जस्ट एक्साइटेड क्योंकि हम क्या शूट करने वाले हैं, इट्स लाइक अ फन पार्ट। शिट, देखो तू हट जा। तो एक्चुअली मेरी प्री वेडिंग है और इसकी भी है, थोड़ा सा मैं आपको इसका हाथ उठा के दिखा देती हूँ, इसके नाटक चल रहे हैं। सो यस, अभी हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन कि हम क्या स्टोरी शूट करेंगे क्या नहीं। डोंट माइंड माई लुक बिकॉज अभी मैं बस नहा के निकली हूँ थोड़ी देर पहले ही। मैं आपको दिखाती हूँ एक्सरसाइज करी हमने, चटाई का सेटअप कर लिया है, अब हम सब यहाँ बैठ के डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग कर रहे हैं बैंटर, क्या बैंटर विद फ्लावर्स। व्हाट इज दैट? दिस इज हाउ द गार्डन इज, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से विला।
Amazing, isn't it? No, babe. मेरे बाल पूरे से पीची वेव्स वाला लुक दे रहे हैं मुझे। हम यहाँ किस लिए आए हैं दीदी? पिकनिक। डिस्कशन के लिए आए हैं, पिकनिक मना रहे चटाई बिछाकर। स्टूडेंट है ना जिसको आंसर नहीं पता, फिर कॉन्फिडेंटली पिकनिक। उन्हें देखो चटाई बिछाई नीचे ऊपर बैठ गए। देखेंगे ना अगर सब थके ले रहेंगे तो यहीं पे ले आएंगे, कोई भी लेगा, हम लोग नहीं आएंगे जाके। दीपू हाँ, ये नाइट ड्रेस में क्यों घूम रही है? ये मेरा कॉट सेट जो नाइट ड्रेस से कम नहीं लग रहा है। हम दोनों फूल के साथ अच्छे लग रहे हैं, है ना? दो फूल लगाए हुए। हाँ तो उनके फादर और ये लोग है ना शायद खास दोस्त है, रिलेशन वो है इनका, कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। तो अंकल लाइक ओके, इनका फिर फोन आया क्या ना, वो डिस्कशन कर लेते हैं, डन करना है। फिर मैं कहा नहीं डन हो चुका अंकल, मुझे कर चुके। हाँ वो तो एपिक ही था वो, हम लोग हमारा शूट खराब हुआ तो इसके जिम्मेदार भी ये हैं, अच्छा हुआ तो भी इसके जिम्मेदार ये है। नहीं अच्छा लग रहा था, डेनिम ग्रीन स्कर्ट नहीं लेके आना। मैं कह रही हूँ रेड वाला पहन लेना, टेल वाला। रेड वाला टेल वाला, अरे बिना टेल के रेड वाला पहन ले। अच्छी वाली जैसे कोई इसका कॉट सेट रहेगा अच्छा वाला, और मेरा नाइट ड्रेस नहीं है अभी, ये बात ये नहीं डालना। क्या आपके पास हैप्पी भैया जैसा है? बहुत सारे कॉट सेट है, फिर एक थ्री पीस। पर वैसे कलर में नहीं, तो कौन से कलर में आपके पास? पर्पल और एक शर्ट टाइप है, मेरा शर्ट टाइप है। ओके शर्ट चेक डन, लाया नहीं मैं मिलो।